तो काफ़ी टाइम से जो चैनल पर कुछ भी स्पीकर वगैरह का वीडियो नहीं आया है, तो आज हमारे पास एक पार्टी स्पीकर ये है आईगियर डायनामो, जो कि एक पार्टी कैरियो के स्पीकर है। कैरियो के इसलिए बोला क्योंकि इसके साथ आपको यहाँ पर जो एक माइक भी मिलता है। तो देखेंगे कि स्पीकर कैसा है, क्या क्या फीचर्स ये लेने लायक है भी या फिर नहीं। तो इसका जो यहाँ पर एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस टाइप का बॉक्स देखने को मिल जाता है। साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है इसका बॉक्स, एंड इसके अंदर आपको यहाँ पर जो सबसे पहले तो एक माइक देखने को मिल जाएगा। और जो माइक का क्वालिटी है ना, डेफिनेटली काफ़ी सही लगा मुझे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइक है। यहाँ पर आपको जो है ऑन ऑफ का स्लाइडर भी मिल जाता है इसके ऊपर ही, और बॉक्स में यहाँ पर आपको जो एक रिमोट भी मिल जाता है, जिसकी मदद से यहाँ पर आप जो है वायरलेसली अपने जो स्पीकर है उसे कंट्रोल कर सकते हो। बट रिमोट में इन्होंने यहाँ पर जो है कॉइन सेल यूज़ किया है। एंड बाकी तो बॉक्स में आपको यहाँ पर जो कुछ वायर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो है माइक को कनेक्ट करने का जो वायर है वो मिल जाएगा बॉक्स में। तो ये जो है ना वायरलेस माइक नहीं है, यहाँ पर आपको जो है वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा माइक को स्पीकर से। बट जो वायर का लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा ही है साइज़ में। और तो बॉक्स में यहाँ पर जो एक ऑक्स केबल और एक चार्जिंग केबल भी मिल जाता है। तो ये रहा हमारा मेन स्पीकर। डेफिनेटली स्पीकर जो है दिखने में तो काफ़ी अच्छा दिखता है। 16 वॉट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है इसका साइज़, क्योंकि ये जो है ना एक पार्टी स्पीकर है, इसलिए जानबूझकर जो इन्होंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रखा है, वरना 16 वॉट के स्पीकर तो काफ़ी छोटे छोटे साइज़ में भी आते हैं। तो ओवरऑल दिखने में स्पीकर जो है ना काफ़ी सही है। और ये जो पूरा स्पीकर है ना प्लास्टिक बिल्ड के साथ ही आता है, पूरा का पूरा प्लास्टिक का ही है। सामने की तरफ जहाँ पर दो स्पीकर है वहाँ पर आपको जो स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं ना वो मेटल के हैं, उसको छोड़ के बाकी पूरा स्पीकर जो है ना प्लास्टिक बिल्ड के साथ ही आता है। इसलिए साइज़ में थोड़ा बड़ा होने के बावजूद भी जो है ना काफ़ी लाइट वेट है ये, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना काफ़ी डिसेंट है प्राइस रेट के हिसाब से। और इसमें पीछे की तरफ आपको यहाँ पर जो स्पीकर को होल्ड करने के लिए भी एक स्पेस मिलता है, तो जिसे होल्ड करके यहाँ पर आप जो है इजीली इसे कैरी कर सकते हो। और यहाँ पर स्पीकर में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारे पोर्ट्स और बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम वाला जो नॉब है ना उससे यहाँ पर आप जो स्पीकर को ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐसे तो यहाँ पर आपको जो है रिमोट में भी ऑन ऑफ का बटन मिलता है, और इससे यहाँ पर आप जो है वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो। बाकी तो यहाँ पर आपको जो एक डिस्प्ले भी मिलता है जहाँ पर आपको मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। FM यूज़ कर रहे हो तो चैनल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके नीचे आपको यहाँ पर जो है मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो मेमोरी कार्ड लगा के भी यहाँ पर आप जो है सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हो इसमें। एंड उसके नीचे आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रीवियस और प्ले पॉज का बटन मिल जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको जो है USB पोर्ट मिलता है, तो USB की मदद से भी यहाँ पर आप जो है सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हो इसमें। एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ऑक्स का पोर्ट भी और माइक लगाने का पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसमें। और ऑब्वियसली इसमें आपको यहाँ पर जो है RGB लाइटिंग इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, सामने की तरफ दो तरफ मिलते हैं आपको। तो अगर आप जो रात को अगर स्पीकर वगैरह यूज़ करते हैं आउटडोर में तो काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट आता है। वैसे तो आप यहाँ पर जो RGB लाइटिंग को ऑफ भी कर सकते हो, रिमोट में आपको जो है RGB को ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जो स्पीकर को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा हूँ। वैसे तो इसमें आपको यहाँ पर जो है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, फिर भी इसका कनेक्टिविटी अच्छा है, काफ़ी जल्दी जो है मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। और अगर हम जो इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें, तो ये जो है यहाँ पर एक 16 वॉट्स का स्पीकर है, और साउंड क्वालिटी इसका मुझे ठीक ठाक ही लगा। मतलब यहाँ पर आपको ट्रबल्स और वोकल्स काफ़ी क्लियर देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी जो है साउंड काफ़ी दबा दबा सा आता है इसमें। अगर आप जो साउंड को थोड़ा सा कम रखते हो तो ऐसा लगता है कि साउंड जो है काफ़ी दबा दबा सा आ रहा है, लेकिन साउंड फुल करने के बाद जो है काफ़ी अच्छा रहता है इसका साउंड क्वालिटी। एंड बेस के बारे में बात करें तो बेस भी है इसमें, लेकिन ऐसा एकदम पंची या फिर बूमी टाइप का बेस नहीं है, काफ़ी डिसेंट सा है। और इसका जो लाउडनेस है वो भी अच्छा है, 16 नोट के हिसाब से जो है काफ़ी लाउड जाता है फुल साउंड करने पर। मेरे हिसाब से एक बड़े से रूम के लिए तो काफ़ी इनफ है, लेकिन आउटडोर में जो है थोड़ा सा कम लग सकता है आपको इसका लाउडनेस। बाकी यहाँ पर आप जो इसके साउंड क्वालिटी का थोड़ा सैंपल देख लीजिए। तो इसके साथ आपको यहाँ पर जो एक माइक भी मिलता है ना, तो उसे कनेक्ट करने के लिए आपको जो वायर प्रोवाइड किया है ना बॉक्स में, तो उससे आप इसे जो है कनेक्ट कर सकते हो स्पीकर से। बट इसका जो माइक है ना मुझे पर्सनली जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर आपको माइक को यूज़ करना है ना एकदम ऐसे मुँह के पास ला कर जो इसमें बोलना पड़ता है, अगर मुँह से आप थोड़ा भी दूर करते हो तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, एकदम ऐसे मुँह को चिपका के रखना पड़ता है अगर आपको जो है माइक को यूज़ करना है। तो जो माइक इन्होंने प्रोवाइड किया ना वो तो बिल्कुल भी काम का नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी तो आप जो इसका माइक का भी थोड़ा सैंपल देख लीजिए कि माइक यूज़ करने पर जो है किस तरह का साउंड आता है स्पीकर से। तो अभी तो आप आवाज सुन रहे हो ना?
तो मैं अभी जो इसका माइक ही यूज कर रहा हूँ वो कुछ इस टाइप का आपका पर जो है कैरियो का मैं साउंड सुनाई देगा। इसका जो माइक है ना वो उतना क्लियर भी नहीं है और काफी पास में रख के जो इसे यूज करना पड़ता है। और हाँ, इसमें जो है ना आपका यहाँ पर FM भी मिलता है, बट मैंने जो है काफ़ी सारे चैनल चेंज करके देखे थे, बट कोई भी चैनल जो है ना चल ही नहीं रहा था FM में। और अगर हम जो है यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो स्पीकर में आपको यहाँ पर जो है 1200 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि ब्रांड क्लेम करता है कि आपको यहाँ पर जो है 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसमें। बट मेरे हिसाब से अगर आप जो है वॉल्यूम का 50 या फिर 60% के आसपास रखते हो तो मेरे हिसाब से 2 घंटे या फिर 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा का बैटरी बैकअप मिल सकता है आपको इसमें। और अगर आप यहाँ पर जो RGB लाइट को ऑफ रखते हो तो और थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाएगा बैटरी बैकअप। और अगर हम जो इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो करंटली प्राइस है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग है, मतलब हर वेबसाइट में। iGear के खुद के वेबसाइट में जो है आपको 2000 रुपये के आसपास मिल रहा है, अमेजोन में 1800 रुपये में मिल रहा है, और क्रोम और JioMart जैसे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर और कम में ही मिल रहा है आपको। और वैसे तो मैंने जो इस स्पीकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो एक बार जाकर जो स्पीकर को चेकआउट कर लेना। सो ओवरऑल अगर हम जो इस स्पीकर के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से जो है ना काफ़ी डिसेंट सा पार्टी स्पीकर है। कैरियो के स्पीकर तो हम इसे बोल ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने जो माइक प्रोवाइड किया ना वो बराबर से काम ही नहीं कर रहा है, एकदम मुंह के पास रख के जो है माइक को यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा भी दूर करते हो तो काम ही नहीं करता। बाकी तो ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है इसमें, साउंड क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक ही है, बाकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, बट ये दिखने में अच्छा दिखता है। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, आई होप कि आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लेना।